बोस कंपनी का 3-in-1 पंप मिल जाता है। सेफ्टी के लिहाज से आपको ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाते हैं। 3 पॉइंट के साथ आपको टॉप लिंक मिल जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज की एक नई फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हम लेकर आए हुए इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर में आने वाला रिसेंटली ट्रैक्टर लॉन्च के फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। तो चलिए इसके हम कुछ डिफरेंट फीचर के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि सबसे पहले अगर इसकी बात करें हम टॉपलिंक के बारे में, तो 3 पॉइंट वाला आपको टॉपलिंक यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि सॉफ्ट, नरम और हार्ड मिट्टी में आप कल्टीवेटर चलाने के लिए समर ट्रैक्टर है और बेटर सेंसिंग के साथ ये परफॉर्म करता है। और दूसरी बात इसकी अगर हम पीटीओ की बात करें, जो कि 38 HP का आपको ऑलमोस्ट आपको पीटीओ पावर मिल जाता है। जैसे कि आप रोटावेटर चलाते समय इसको बेहतर टॉर्क आपको प्रोड्यूस करता है ये, जो कि ये अपने सिगामेंट में सबसे बेहतर है। और कंपनी फिटेड आपको इसमें हिंच मिल जाता है। और ट्रिपिंग ट्रॉली चलाने के हिसाब से कंपनी अलग से प्रोवाइड करिए ओरिजिनल करा के दी हुई है। और इसकी हम ऑल ओवर अगर हाइड्रोलिक की बात करो, तो आपको इसमें मिल जाता है 1500 kg का ऑलमोस्ट लिफ्ट कैपेसिटी वाला इसमें हाइड्रोलिक, जो कि अपने सिगामेंट में सबसे बेहतर है। और कुछ आगे हम बात करें जैसे कि LED लाइट कनेक्टिविटी जोड़ने के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट मिल जाते हैं। जैसे कि ट्रॉली में आप लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ से जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात करिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि रात में अगर कोई गाड़ी आए तो ये समझ सके कि गाड़ी धीरे धीरे चलने वाला है। और ड्राइवर के आयु के अनुसार उसके ज़्यादा बेटर काम करने के हिसाब से यहाँ पर 2 लीटर का वाटर व स्टोरेज मिल जाता है। सबसे पहली बात अगर इसकी हम अगर लाइट की बात करें, तो ब्रेकिंग और इंडिकेटर लाइट का बेस्ट कम्युनिकेशन मिल जाता है, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के अप्रूव्ड कंपनी देती है। और रात में बेहतर काम करने के हिसाब से एक हैलोजन बल्ब मिल जाता है, जो कि आप रात में ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये रहा पीछे का पार्ट, तो हम चलिए आगे दिखाते हैं। इसके टायरों की बात करें तो पहले के मुकाबला इस टाइम इस ट्रैक्टर में 13/6/28 का कंपनी प्रोवाइड कर दी हुई है, जो कि गुड ईयर कंपनी अप्रूव्ड कर इसमें देती है। और इसकी हम आगे के टायरों की बात करें तो 6/16 का आपको इसमें टायर मिल जाता है, जो कि ये भी बाजरा सुपर गुड ईयर का इसमें प्रोवाइड कर कंपनी देती है। सो दोस्तों, जिस ट्रैक्टर का हम फुल डिटेल रिव्यू लेकर आए हैं, इसको हम पूरा लुक दिखाते हैं। ये है स्वराज 735 XT, जो कि अपने सिगामेंट में सबसे बेहतर 39.5 Hz पावर। और इसकी सीसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन कम करने वाला 2761 CC के इसमें इंजन दिए गए हैं, जो कि 189 मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। और इसमें पंप 3-in-1 पंप बोस का फॉरेस्ट टॉर्क दिया गया है। और इसकी बेहतर आयु के हिसाब से आपको यहाँ पर वाटर सेपरेटर मिल गया है, जो कि ये टंकी के कचरे को अपने आप में ये प्रेजेंट कर सके। और इसकी हम टंकी की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 50 लीटर का आपको इसमें टंकी मिल जाते हैं। सो दोस्तों, अगर इसकी हम एयर क्लीनर की बात करें तो थ्री स्टेज वाला आपको वॉल्वाथ टाइप आपको एयर क्लीनर मिल जाता है, जो कि लो मेंटेनेंस के लिए सबसे बेहतर माना गया है। और इसकी हम विशेष अगर जानकारी लें, जैसे कि फ्रंट एक्सल की बात करें तो आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिल जाता है। और इसको स्टीयरिंग की बात करें तो मैकेनिकल आपको स्टीयरिंग इसमें मिल जाता है, जो कि बेहतर परफॉर्म करने के लिए जाने जाती है लो मेंटेनेंस के लिए। और चलिए दोस्तों, इसकी हम अगर कुछ और बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉक, जो कि ये सबसे बेस्ट बदलाव है, जो कि ट्रिपिंग ट्रॉली चलाने के लिए एक है ही। और आप रास्ते में भारी इंप्लीमेंट ले जाते टाइम इसको आप लॉक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे सूट का आप ऑप्शन देख रहे हैं, एरो का मार्क लगा हुआ है ओपन का, आपका इंप्लीमेंट सही जगह पे सही स्थान पे अच्छे से पहुँच जाएगा रास्ता में बिना गिरे। और दूसरी बात करें इसकी हम पीटीओ की, तो ये 540 PTO गाड़ी है, जो कि 2000 ATD पे ये वर्क करता है ये ट्रैक्टर। और इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो इमर्सिड आपको वायल ब्रेक मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर काम और ज़्यादा देर तक आप काम इसे कर सकते हैं। और इसकी हम गियर की बात करें तो फुली कॉन्स्टेंस में से आपको स्लाइडिंग सिस्टम आपको गियर मिल जाते हैं, जो कि ये बेहतर आयु के लिए प्रोवाइडर कंपनी देती है और ज़्यादा उम्र गियर की बढ़ सके गियर बॉक्स की इसके चलते देती है। और इसकी क्लच की बात करें तो यहाँ पे सिंगल क्लच आपको मिल जाते हैं, जो कि ये बेटर क्वालिटी के डायग्राम सूखा डायग्राम इसमें क्लच प्लेट कंपनी बिल्ड कर देती है। सो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। जैसे कि इसकी अगर हम बम्पर की बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें 90 kg का आपको इसमें बम्पर मिल जाता है, जो कि इस टाइम ट्रैक्टर में काफ़ी बेटर क्वालिटी के बदलाव कर कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। और इसकी हम
अगर लिफ्ट कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो बेटर क्वालिटी का आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप मिल जाता है, उसको बेहतर आयु प्रदान कर ली कंपनी एक अलग से बड़ा वाला आपको वाइल्ड बेटर क्वालिटी के फिल्ट्रेशन कर सके इसके लिहाज से ये कंपनी प्रोवाइड कर दिया हुआ है। और इसके हम अल्टरनेटर की बात करें तो 12 वोल्ट 36 एम्पीयर का आपको अल्टरनेटर मिल जाता है जो कि बैटरी को तेज़ी से ये चार्ज कर सके। और इसकी हम अल्टरनेटर की बात करें तो 12 वोल्ट ऑलमोस्टली 90 एम्पीयर का मिल जाता है जो कि बेहतर काम के लिए जाना जाता है। और इसकी बैटरी की बात करें तो एक्साइड कंपनी अप्रूव कर देती है जो कि इंडिया में सबसे ट्रस्टेड ब्रांड इसको माना गया है। और इसकी हम ब्रेकिंग की बात करें तो इमर्सिड वॉयल ब्रेक कंपनी इसमें निविल्ड कर देती है और इंगेज और डिसएंगेज करके आप यहाँ से आप ब्रेक को लगा सकते हैं। और सबसे बेहतर बदलाव की बात करें तो यहाँ पे फुट पैडल आपको मिल जाते हैं जैसे कि आप गाड़ी को बार बार क्लच न पकड़े इसके लिहाज से यहाँ पे आप पैर रख के आप ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो बाकी ट्रैक्टरों से अलग है आप यहाँ के बेटर क्वालिटी के प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं कि बैठने में आपको आसानी से चल सके। और यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू करके दिया है कि आइसोलेटर वाल्व नोबल हमेशा खोल कर रखें, इससे आपको ये होता है कि जैसे ट्रिपिंग ट्रॉली चलाने के वक्त आपको इसको आप शूट कर देंगे और जैसे ही आप ट्रॉली कल्टीवेटर में नारेंगे तो आपको हाइड्रोलिक को मतलब सेफ्टी के लिहाज से ये कंपनी कंटिन्यू करके यहाँ पे देता है। और इसकी हम नॉइज कैंसलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो कंपनी पहले से ज़्यादा अप्रूव कर यहाँ पे बड़ा सा साइलेंसर जो दे दिया है न्यू मॉडल में रिसेंटली में ये तैयार कर कंपनी दिया हुआ है। चलिए इसको हम कुछ आगे की बात करते जैसे अगर रेडिएटर की बात करें तो बेंचो कंपनी का आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा इससे जा सके और इंजन ज़्यादा देर तक काम करने में समर्थ रहे। लो लॉस टैंक के साथ आपको वाटर कूलेंट मिल जाता है जो कि यह पानी या कुछ भी घटने पर यहाँ से अपने आप ऑब्जर्व कर सकती है। सो ये रहा आगे का पार्ट ऑफ व्यू। चलिए दोस्तों इसके हम कुछ एस्टिमेट क्लस्टर और डैशबोर्ड की बात करते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड की अगर इसमें हम बात करें तो आपको 5 टाइप के आपको यहाँ पे इंडिकेशनल मिल जाते हैं। जैसे कि आप बाएं साइड में देख रहे हैं यहाँ पे आपको डीजल का मिल जाएगा, डीजल टैंक का ये करता है। और इसको ऊपर बात करें तो आपको हीटिंग जोन का ये दर्शाता है और बीच में बात करें तो एक बैटरी का दर्शाता है। और ऊपर सेफ्टी के लिहाज से जैसे कि आप गाड़ी आपका हाई लो में है न्यूट्रल करके ही चालू होगा ये कंपनी प्रोवाइड कर इसमें दिया हुआ है। और दाहिने तरफ बात करें तो लाइव घंटा रीडिंग आपको ये दर्शाता है। और ड्राइवर के हम दाहिने तरफ की बात करें तो बेहतर क्वालिटी के आपको चार्जिंग सिस्टम दिया गया है जैसे कि आप मोबाइल चार्ज रख के इसमें आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात करें कि DC-PC लीवर जो कि ये बेटर क्वालिटी के दिए गए हैं, काफ़ी स्मूथ है, पहले की अपेक्षा बहुत जाम आता था, अब न्यू रिसेंटली मॉडल में बेहतर दिया गया है। जैसे कि आप ड्राफ्ट कंट्रोलर की बात करें तो कल्टीवेटर चलाते टाइम इसको आप समानांतर गहराई या कुछ ऑलमोस्टली कम गहराई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और भूमि के ऊपर चलने वाला यंत्र जैसे कि रोटावेटर चलाने के लिए आप दोनों DC-PC लीवर के सहारे एक समानांतर गहराई ले सकते हैं। और ड्राइवर के हम बाएं तरफ की बात अगर करें तो यहाँ पे टोल बॉक्स मिल जाता है जो कि बेटर क्वालिटी की इसमें टोल बॉक्स कंपनी प्रोवाइड कर दी हुई है। सो चलिए दोस्तों इस ट्रैक्टर को अब हम चालू करते हैं और टर्निंग रेडिएशन और इसकी हम नॉइज सेंसेशन चेक करेंगे। तो दोस्तों अगर नॉइज सेंसेशन की बात करें तो बेटर क्वालिटी के इसके कम है। और इसकी हम घंटा की बात करें तो ये 2000 से ओवर करता है। टर्निंग नॉइज सेंसेशन की बात करें तो बेटर क्वालिटी की ऐसा चलता है जैसे कि ये पावर स्टीयरिंग ही चल रहा है। तो यहाँ पे चौक बार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाड़ी को बंद करने के लिए। सो दोस्तों ये था 735XT के फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।